हे गाइस, वेलकम बैक टू टॉलीवुड रीप्ले। और इस वीडियो में हम शुभ शगुन सीरियल जो था दंगल टीवी, उसी की कंट्रोवर्सी जो रिसेंटली हो गई थी कृष्णा मुखर्जी को लेकर, उस पर लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप पुरानी पूरी कंट्रोवर्सी को जानते ही नहीं है तो एक मैं क्विक रिकैप आपको दे देता हूँ। तो गाइज, हुआ यह था कि कृष्णा मुखर्जी जो कि सीरियल में फीमेल लीड का रोल प्ले किया करती थी, रिसेंटली उन्होंने कुछ एक्यूजेशंस दी थी इस सीरियल के प्रोड्यूसर कुंदन सिंह के ऊपर और वैसे ये सीरियल के मेकर्स के ऊपर, एंड ऑल्सो दंगल चैनल पर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। तो गाइज़, कृष्णा मुखर्जी का ये कहना था कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट था ये सीरियल के सेट पे, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। सबसे पहले तो पेमेंट इशूज़ फेस करने पड़े थे और उनको पेमेंट में बहुत ज़्यादा डिलेज देखने को मिले थे। एंड ऑल्सो उन्होंने कहा था एक दिन वो बीमार थी और वो शूट करना नहीं चाह रही थी उस दिन, लेकिन फिर इनको सेट पे किसी बंदों ने मेकअप वाले रूम में बंद कर दिया, लॉक कर दिया। और इस तरह से बेसिकली इनका ये कहना था कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी शुभ शगुन सीरियल को करने के बाद, बिकॉज ये सब इनको झेलना पड़ा था ये सीरियल के सेट के ऊपर। और मेनली इन्होंने प्रोड्यूसर कुंदन सिंह को ये चीज़ों के लिए एक्यूज़ करा था कि उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला गया और ये सब उनके साथ किया गया, एक तरह से टॉर्चर किया गया। तो ये सारे एक्यूजेशंस तो इन्होंने डाले ही थे। और फिर दंगल टीवी के बारे में बात करते हुए इन्होंने ये कहा था कि ये मैटर्स दंगल टीवी के पास भी लेकर गई, लेकिन दंगल टीवी ने हेल्प नहीं करी इनको इनकी पेमेंट दिलवाने में। तो इनका यही कहना था कि इनको पेमेंट में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इतने ज़्यादा डिलेज फेस करने पड़े ये सीरियल के कारण। और फिर ये कहते हैं कि दंगल टीवी वालों ने मदद भी नहीं करी। वो कहते हैं शुभ शगुन के भाई इतना जो उनका ऑफुल एक्सपीरियंस रहा था, इसी के डर से वो किसी और सीरियल को भी साइन नहीं कर पाई हैं और यही डर में अब तक जी रही हैं। और फिर इसका जवाब दिया था कुंदन जो कि प्रोड्यूसर हैं सीरियल के, उन्होंने ये कहा था कि ये सारे एक्यूजेशन बिल्कुल फॉल्स हैं, पहले भी ऐसे झूठे आरोप लगा चुकी हैं सीरियल के क्रू मेम्बर्स के ऊपर, जिनमें से दो लोगों को उन्होंने फायर भी कर दिया था, निकाल दिया था। और बाद में पता चला कि वो दो लोगों ने ऐसा कुछ करा भी नहीं था, ये अपने पर्सनल ग्रज निकालने के लिए इन्होंने ऐसा नाम गया था। एनीवेज, अब आपने दोनों साइड सुन लिया, अब हम तीसरी साइड की सुन लेते हैं। दंगल टीवी ने आखिर क्या जवाब दिया कृष्णा मुखर्जी के क्लेम्स के ऊपर? तो गाइस, दंगल ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि उन्हें पता चल गया कृष्णा मुखर्जी ने जो स्टेटमेंट दी है ऑफिशियल अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर, और वो ये चीज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा सैडेंड हैं कि उनके साथ ये हुआ, और अपनी सिंपथी उनको एक्ट्रेस को देते हैं। फिर वो कहते हैं कि दंगल टीवी पे हम हमेशा सेफ्टी और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को बनाए रखते हैं, इसी करके इंडिया के 40 टॉप प्रोडक्शन हाउसेज हमारे साथ काम कर चुके हैं और यही प्रूफ है कि हम एक काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट रखते हैं हमारे सीरियल्स के ऊपर और इस तरह की कोई गलत हरकत नहीं करते। फिर वो कहते हैं पेमेंट्स की बात करें तो हम हमेशा टाइम पर पेमेंट्स ही देते हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स करके नहीं, पर वैसे लोग यही सोचते हैं जल्दी से जल्दी पेमेंट सही टाइम पर कर देनी चाहिए। हमने प्रोडक्शन हाउस वालों को सही टाइम पर ही पेमेंट्स करी थी, तो प्रोडक्शन हाउस वालों को कहा है ये जो भी इशूज़ हैं वो सॉल्व कर लें सीरियसनेस के साथ। तो बेसिकली दंगल ने कहा है कि उन्होंने तो सारी पेमेंट कर दी थी प्रोडक्शन हाउस को टाइम पे, अब आगे प्रोडक्शन हाउस ने एक्ट्रेस को दी या ना दी वो प्रोडक्शन हाउस और एक्ट्रेस के बीच का मामला है। दंगल टीवी ने खुद पे लगे ब्लेम को हटा लिया है और यही इनका स्टेटमेंट रहा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा और इस सीरियल की, इस कॉन्ट्रोवर्सी की सारी अपकमिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सब कुछ पहुंचता रहे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए चलता हूं, गुड बाय।